तो क्या हाल चाल भाई लोग, आज हम खेलने जा रहे हैं हिटमैन 1। आपने देखा होगा कि मैंने हिटमैन 2 पूरा पार कर चुका हूँ। आज मैं करूँगा हिटमैन 1 को कंप्लीट। इसका मिशन 1 जो है पेरिस पे है। यहाँ पर हमें 2 लोगों को एलिमिनेट करना है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लगता है कुछ कमाल की सेरेमनी चल रही है, मेरे को पता नहीं किस चीज़ की, बट यहाँ पर ख़तरनाक चल रही है भाई। सिक्योरिटी गार्ड सब, ओ भाई एजेंट 47 तो इसे कमाल का दिखाया भाई, बोला कि ले भाई मेरा एंट्री है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ 2 लोगों को एलिमिनेट करना है, जिसका नाम है विक्टर नोविकोव एंड डालिया मार्गोलिस। और यहाँ पर एक आप जो बंदा देख रहे हो ऊपर में, वो लाइक मेरे ही जैसा दिखता है, ICE का बंदा है कोई। चलो अंदर चलते हैं सबसे पहले तो, क्यों भाई यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत तगड़ा और यहाँ पर कमाल के लोग आए हुए हैं। तो इस बंदे को मेरे को एलिमिनेट करना है, बट मैं यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकता, मुझे कुछ क्लू ढूंढना होगा सबसे पहले, तो उसके बाद ही मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इधर चलते हैं। इधर अभी अलाव है हमें जाने के लिए। अच्छा हम उधर ही आ गए क्या? अच्छा, हम तो उधर ही आ गए भाई। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ कुछ फैशन शो भी चल रहा है भाई। यहाँ पर लगता है जो कैटवॉक होता है वो हो रहा है शायद यहाँ पर। एक काम करते हैं, इधर चलते हैं। अलाव है इधर भी। Enjoy the show. Hey, tuxedo ओ boy. Can't let you through. ट्रांसफासिंग हो जाएगा भाई। अच्छा Man, I यहाँ पर wish कुछ I had that job. बातचीत हो रहा है, मैं लोगों का बात सुन लेता You're हूँ। fine. तो भाई मेरे को पता चला है कि हेलमेट क्रूगर अभी यहाँ पर मॉडल है और वो यहाँ पर कैटवॉक करने वाला है, और वो डालिया मार्गोलिस से भी मिलेगा। तो उसे मारने के लिए सबसे पहले हमें इधर जाना होगा। एक काम करते इधर से टाप देते हैं और इस बंदे को निपटा देते हैं। एक काम करते हैं, हम फाइबर वायर ले लेते हैं, उसके बाद मारते हैं। ओके डन, इसे मार दिया। अब इसे मार के यहाँ पर एक काम करते हैं, डंप कर देते हैं। ओके सही है। अब इसका ड्रेस ले लेते हैं। ओके अब हमें कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ का सेफ पे आ गए हैं। और उधर शो हो रहा है मेरे को, तो भाई हम उधर चलते हैं जल्दी से। हेलमेट क्रूगर को हमें मारना होगा और उसका ड्रेस हमें चाहिए होगा। उसके बाद मुझे याद है कि ये डालिया मार्गोली से भी मिलने वाला है, तो इस हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर इसका शायद तक फोटो शूट चल रहा है। अच्छा वो बंदा लेकिन भाई मेरे ही जैसा दिखता है, बस मेकअप वगैरह कर लूँगा तो मैं उसके साइड ही देखूँगा। तो उसे मारना, अरे ऐसा खोरा ऐसा खोरा, अरे भाई उसका पोज देख रहा है। और यहाँ पर प्राइवेट जेट है किसी का। एक काम करते हैं, हम इधर आते हैं। हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा भाई। एक काम करते हैं, पिस्टल रखे रहते हैं हाथ में, ताकि कुछ भी होगा तो फटाक से हम निपटा देंगे इस बंदे को। इस बंदे का कॉल आ रहा है मेरे ख्याल से। ओके भाई तो ये साइड में जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। साइड में जाएगा फिर हम उसे साइड में आराम से मार सकते हैं। अरे अरे क्या हो रहा, धीरे धीरे चलते हैं। क्या हो रहा भाई, एक काम करते यहाँ पर रहते हैं। बंदा जा रहा है, बंदा जा रहा है, अभी उसने हमें देखा नहीं है। ओके यहाँ पर और कोई तो नहीं है ना? कोई नहीं है। एक काम करते हैं, हम फाइबर वायर लेते हैं और इसे निपटा देते हैं, क्योंकि पिस्टल से मारेंगे तो खून भी। ओ भाई साहब ये बंदा आ रहा है और इसे इधर देख रहा है, इससे पहले हम इसे निपटा देंगे। ओ एक काम करते इसको इधर रखते हैं साइड में और इसका ड्रेस ले लेते हैं सबसे पहले तो। और क्या करना है? ओके मार्गोलिस को कॉल लगाना है हमको। अरे ये बंदा भी आ रहा है इधर ही, अब इसको क्या करना होगा, इसको निपटाना होगा भाई हमें तो। किसी ने देखा तो नहीं ना? ओके अब इसे डंप करते फटाक से हम यहाँ पर। ओ भाई साहब वो गलत टाइम पे आ गया भाई, ये जो सिक्योरिटी गार्ड था वो गलत टाइम पे आ गया, इसे मारना पड़ा हमें। एक काम करते हैं इसे भी हम, अरे 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 वो देख लेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसे डंप करना होगा, जल्दी से इसे नीचे फेंक देते हैं। ओके तो हमारा काम हो चुका है, हमने इसे नीचे फेंक दिया है, अब किसी को कुछ शक नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, हम फटाक से यहाँ से निकल लेते हैं, किसी को शक भी नहीं हुआ और हमने उसे मार दिया आराम से। चलो भाई अब हमें क्या करना है? अच्छा मार्गोलिस को कॉल करना है ना। अरे फ़ोन कहाँ गया? ओके कॉल कर लेते हैं हम।
डालिया मार्गोलिस को, उसका शायद मीटिंग है उससे। अभी तक उसने मेरे कॉल नहीं उठाया भाई, पता नहीं क्यों। ओके अच्छा, इधर से रास्ता बंद है। हम अच्छा वो आगे मेरा। ओके भाई, तो अब हमें करना है अपना मेकअप। मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा, कहाँ जाना होगा, वो साइड जाना होगा। ओ भाई, यहाँ पर तो खतरनाक शो चल रहे हैं यार। ओके, यहाँ पर अपना मेकअप होगा। मेकअप होने के बाद मेरे ख्याल से हम एकदम उस बंदे जैसा दिखने लगे हैं, क्योंकि हम एकदम उसी के ही जैसा दिखते हैं, बस मेकअप की हमें ज़रूरत होगी। ओके भाई, इस बंदे को भी लग रहा कि मैं मिस्टर क्रूगर हूँ। ओ भाई साहब, और एजेंट 47 बिल्कुल उसके ही जैसा दिखता है भाई, थोड़ी बहुत जैसे। वो टेकला है, ये भी टेकला है, और शेप भी दोनों का सेम है। ओके भाई, मेकअप हो रहा है अपना। ओ भाई साहब, मैं बिल्कुल हेलमेट क्रूगर के जैसा दिख रहा हूँ यार, कसम से भाई, एकदम परफेक्ट भाई। तुरंत हमारा मेकअप हो चुका है। अरे मेकअप हो गया क्या? ओके, कंप्लीट हो चुका है हमारा मेकअप। एक बार हम अपने आप को खुद से देख लेते हैं। ओ भाई साहब, अब मिस्टर क्रूगर जैसा लग रहा है एकदम बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाके स्टेज पे कैट वॉक करना है सबसे पहले। तो मेरे ख्याल से कैट वॉक के बाद हम मार्गोली से मिल सकते हैं। अरे हट जल्दी से सब कोई, फटाफट हमें निकलना होगा कैट वॉक के लिए। अरे इधर से जाना है भाई। अच्छा इधर से जाना है ना। ओके जी, प्रेस करते हैं। ओ भाई साहब, कैट वॉक होने लगा है। ये तो भाई अब मॉडल बन गया यार इस पे तो। और इसने भी मेरे ही जैसे ड्रेस पहना रखा है। ओ भाई साहब, यहाँ लोग मुझे देख रहे हैं कैटवॉक मैं कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, अरे एजेंट 47 तो खतरनाक लग रहा है भाई। ओके, कैटवॉक को लीव करना है क्या? अब हम जा सकते हैं मीटअप मार्गोलिस। अब हमें लीव कर देते इसे। अरे वहाँ से आ गए भाई। अरे अरे अरे, कैटवॉक नहीं करना है भाई। चलो अब हमें मिलना है डालिया मार्गोलिस से। फटाक से जाते और मिलते उससे। वो शायद ऊपर वाले फ्लोर में है ना। ओ हाँ, वहाँ पर वो टहल रही। काम करते, इधर से हम चढ़ते। अच्छा ये लोग भी मुझे जानते हैं कि मैं हेलमेट क्रूगर हूँ। हमें कुछ नहीं करे, इसका मतलब हमारे पास फुल एक्सेस है, हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं इजली। ये लोग भी मुझे जानते हैं, मुझे लगा कि रोकेंगे भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ओके मार्गोलिस अंदर में है, तो फटाक से जाते हैं मार्गोलिस के पास। ओके चलो भाई, सीट डाउन हो जाते हैं यहाँ पर। ओके तो भाई, इस बंदी से हमारा बात हो चुका है, और ये हमें कुछ जॉब ऑफर कर रही थी। खैर हटाओ, हम वो सब नहीं देखेंगे। अब इसे मारना होगा फटाक से। एक काम करते हैं, इसे अब निपटा देते हैं फटाक से। मुझे लगा कि भाई किक मार के हम अंदर फेंक देंगे उसे। नेट अभी तक नहीं मरी इसका। एक काम करते हैं, नेक क्रैक कर देते हैं, और यहाँ पर काम करते हैं, इसको डंप कर देते हैं फटाक से हम। मिशन स्टोरी गाइडलाइन अपडेटेड। ओहो भाई, चलो एक को तो हमने निपटा दिया है, अब दूसरे को हमें निपटाना है, जिसका नाम है विक्टर। मिस्टर विक्टर को अब हमें निपटाना होगा फटाक से। तो सबसे पहले हमें क्लू ढूंढना होगा। खैर मिस्टर विक्टर कहाँ पर? वो नीचे वाला रूम में है। इधर से हम चलते हैं। अरे भाई साहब कहाँ आ गए? अच्छा वो कैटवॉक हो रहा, तो वहाँ पर आ गए ना हम लोग। अब किधर जाना है रे? एक काम करते इधर चलते हैं, इधर से कोई नीचे का रास्ता है नहीं। अच्छा यहाँ से हमें शायद नीचे का रास्ता मिल जाएगा। कोई बात नहीं, चलो निकलते यहाँ से। अरे यार नीचे का रास्ता किधर है? ओके ये रहा,
भाई इसमें रास्ते बहुत सारे हैं ना, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा एक पैरिस है भाई, यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। मिस्टर क्रूगर कर रहे हैं ये लोग तो भाई। ओके, तो हम यहाँ पर जहाँ फैशन हो रहा था वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर मेकअप हो रहा था। अब हम आराम से जा सकते हैं अपने जगह पे। कौन सी साइड जाना? ओके, अब मुझे याद आ गया, इधर जाना है। और हमें कुछ क्लू ढूंढना होगा भाई फिर से एक, क्योंकि भाई आपको पता होगा कि, अरे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। यहाँ पर भी पार्टी चल रहा है और यहाँ पर मिस्टर विक्टर भी है यहाँ पर। तो भाई हमें फिर से एक क्लू ढूंढना होगा भाई, क्लू हमें नहीं मिल रहा, वही दिक्कत है। क्लू मिलने को, अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ दिखा है, मिशन स्टोरी रिविलिंग। अच्छा ये लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो भाई मिस्टर विक्टर का एक फेवरेट ड्रिंक है वेदर ऑब्स्क्योर कॉकटेल करके, जिसका रेसिपी इस बेसमेंट में भुला चुका है। तो उसे हमें ढूंढना होगा और फिर जाके उसकी रेसिपी, हम रेसिपी बोल रहा हूँ, जाके उसे हमें बनाना होगा और मिस्टर वेदर को देना होगा। काम करते, ये बंदा अकेला है तो इसे निपटा देते फटाक से। हम काम करते, फाइबर वायर ले लेते, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इसे मारना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर इसे निपटा के इसे कपड़ा लेना होगा हमें, तब हम जाके यहाँ के स्टाफ लगेंगे। ओके भाई, अब डंप होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, तो रेसिपी अब उठा लेते हैं फटाक से, जाके वहाँ पर रेसिपी रखी हुई है। ये है वो उसकी रेसिपी। ओके, हमें रेसिपी पढ़ चुका है, तो अकॉर्डिंग टू रेसिपी अब हमें ऊपर चलना होगा। बियर की भी रेसिपी होती है, तो भाई ऊपर रेड पॉइजन रखा हुआ है, उसका मार्क हमें शो हो रहा है। तो भाई फटाक से हम चलते हैं। अच्छा हम जा सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं ना। ओके, हम वेटर हैं। यहाँ पर दो दो रेड पॉइजन रखा हुआ है भाई, एक काम करते दोनों को उठा लेते हैं, और भी हमें काम आ सकता है। अंदर जा सकते हैं क्या? अब हमें बार के पास जाना होगा। ओके, हम बार के पास पहुंच चुके हैं। अरे किसी को हम पे शक है। एक काम करते इसे मिक्स करते हैं फटाक से, बियर को मिलाते हैं दोनों को और आराम से मिक्स करेंगे, तो उसकी बियर बन जाएगी जो कि पीने आएगा मिस्टर विक्टर। और एक काम करेंगे, इसमें हम रेड पोशन भी मिला देंगे, उसके बाद वो पिएगा तो उसे टॉयलेट वगैरह कुछ लगेंगे। ये वाला नहीं मिलाते, ये वाला मिलाते हैं, पता नहीं उस पिएगा तो उससे शायद डायरेक्ट भी मर सकता है, मुझे पता नहीं। अब हमें वेट करना है, जब मिस्टर विक्टर आएंगे उसका वेट करना है हमें कुछ देर। अच्छा यहीं पर है वो बंदा। तो भाई फाइनली मिस्टर विक्टर आ चुके हैं, अब ये ड्रिंक पियेंगे और हमें उसी का वेट करना होगा। ड्रिंक पीने के बाद इनका जब पेट ख़राब होगा तो ये बाथरूम वगैरह कहीं पर भी जाएंगे, तो हमें उस तरह ही निपटा देना। उस बंदी को हम पे शक है यार। काम करते बैठ जाते हैं और ये अपना जो औजार है इसे निकाल के रखते हैं, कभी भी मौका मिलने पर हम इसे मार देंगे। ओके, इनका पेट ख़राब हो रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। उसका बॉडीगार्ड भी साथ में है क्या? चलो भाई अब इसका आराम से पीछा करते हैं और मौका देखते हैं, इन्हें निपटा देंगे हम। काम करते इसका बॉडीगार्ड को हम डिस्ट्रैक्ट करते एक बार और। चलो ये अंदर जा चुका है। काम करते यहाँ गए, गेट बंद किए, अब इसे निपटाते फटाक से। ओ भाई टॉयलेट के अंदर ही घुसड़ के इसे हमने आराम से मार दिया है। अभी काम करते इसको यहाँ पर डंप कर देते हैं फटाक से और यहाँ पर से एग्जिट गेट से हम निकल लेते हैं। चलो कि इधर एक एग्जिट गेट सो रहा, बट हम उधर नहीं जा सकते, हम नॉर्मली इधर ही जाएंगे। आगे में एक एग्जिट गेट है। चलो भाई ये मिशन तो अपना आराम से कंप्लीट हो गया। और भाई गेम प्ले कैसा लगा बताना भाई। और ये मिशन इजी था भाई, क्योंकि मैंने इसे हार्ड हार्ड मिशन कर चुका हूँ, तो ये मिशन मुझे क्यों इजी लगा।
तो भाई गेम प्ले कैसा लगा कमेंट में बताना, और नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग। चलो चलते हैं भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले पे।